करोड़ों गोपियों के साथ में कृष्णा रास क्या, ये संपूर्ण भारत में भी 300 करोड़ लोग नहीं है, इतने गोपियों के साथ में कृष्णा रास किए हैं। बोले ये गिरिराज को नीचे इतने सारे कहाँ से आ गए, इतने छोटी सी गिरिराज को नीचे। तब उदाहरण दिए, बोले स्वर्ग में एक सभा है जिसका नाम कहते हैं सुधर्मा सभा। एक आश्रम नहीं, अगर 100 लोग आए ना उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर 1000 लोग आए तब भी बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर 1 करोड़ लोग आ जाए तब भी बैठ जाएंगे, एक कुर्सी खाली रहेगी। सारा दुनिया के लोग वहाँ आ जाए, सबके सब बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी कभी पूरी नहीं होएगी। ये कहाँ पर है? बोले ये स्वर्ग में। लेकिन ये वृंदावन कहाँ पर है? बोले स्वर्ग के ऊपर में मोह जन तप और सत्य लोग। बोले सत्य लोग के ऊपर वैकुंठ लोग, वैकुंठ लोग के ऊपर में श्री अयोध्या, और अयोध्या के ऊपर में द्वारका, और द्वारका ऊपर मथुरा, और मथुरा के ऊपर में वृंदावन। ये वृंदावन धाम सबसे जो ऊंचा स्थान है श्री, ये वृंदावन धाम है। कहते वृंदावन धाम की ऐसे चमत्कारिता, कहते एक जो धूल कणा है ब्रज की, एक जो धूल है, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, कहते ये चिंतामणि जो मांगो वही दे देगा। हैं, वहां के वृक्ष साधारण नहीं, सबके सब कल्प वृक्ष है। इसलिए गिरिराज के नीचे संपूर्ण ब्रज आ जाना कोई बड़ी आश्चर्य बात नहीं। सारे ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, और कृष्ण ब्रज गोपियों को साथ में मिलना कभी कभी बड़ा कठिन होता था। इसलिए कृष्ण गिरिराज को क्यों धारण किए, हमारे टीकाकारों ने वहां 4 कारण बताए। पहला कारण बताए, कहते अगर किसकी शरण में जाना तो श्री गिरिराज का शरण में जाइए, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन, ये सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री गिरिराज है। झोली फैलाना तो सबको पास में झोली मत फैलाओ, गिरिराज को पास में झोली फैलाओ, सब कुछ वो तुमको देने वाले हैं गिरिराज गोवर्धन। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा बंद कर दिया। बोले इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा है। सारे देवताओं का राजा को उन्होंने पूजा बंद करवा दिया। बोले शरण में जाओ तो श्री गिरिराज की शरण में जाओ, क्योंकि श्री गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, वो स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज की रूप धारण किया। बोले दूसरा कारण किया, बोले इंद्र का बड़ा अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, घास नहीं उगेगा, गैया घास कहाँ से खाएंगे, फिर दूध कहाँ से मिलेगा, ब्रजवासी सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा भैया अगर नंद बाबा कन्हैया को कहते ना कन्हैया थोड़ा मेरी जूती ले आ। कृष्ण ठुमुक 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 चलते हैं, हाथों में नहीं, नंद बाबा का जो खड़ाओं को सर पर रख करके कृष्ण नाचते 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 आते हैं। नंद बाबा सोचते देखो मेरे लाला कितने अच्छे है, मैंने कहा खड़ाओ ले आओ तो हाथों में नहीं सर पर ले आया, जब लाला बड़ा होगा ना खूब पिता माता का सेवा करेगा। अगर कृष्ण थोड़ी सी नटखट करे मैया क्या करती, सीधा कान पकड़ती। अगर नंद बाबा पान खाते हैं कृष्ण क्या करते, मुंह से निकाल करके अंगुल को द्वारा कृष्ण झूठन पान खाते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, इंद्र सोच रहा है ये हो गया स्वर्ग का राजा और ये ब्रजवासी हो गए प्रजा, अभी तरह अभिमान हम दूर करते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये गिरिराज गोवर्धन को उठा करके सारे ब्रजवासियों को उन्होंने अपना शरण मिलाया। बोले तीसरा कारण क्या, तीसरा कारण बताया, कभी कभी कृष्ण को ये गोपियों से और राधा रानी से मिलना बहुत ही कठिन होता था। कृष्ण सोचे हम ऐसे क्या काम करें और जितने गोपियां ना नहीं चाहने पर भी सबके सब मेरे सामने आ जाए। बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा फिर कहाँ जाएंगे, सबके सब आना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन उठा लिए, जितने ब्रज की गोपियां सबके सब उनका सामने आना पड़ा। और जब कृष्ण श्री राधा रानी को दर्शन की, इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हैं वो कहते हैं बल बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीतवसनम ब्रजराज सुनो। इसका मतलब है अगर राधा रानी एक बार कृष्ण को दर्शन कर ले ना, दर्शन नहीं एक बार कृष्ण को तेरे से चितवन से देख ले, बोले बंसी करान निपति
कृष्ण का जो बंसुरी वो हाथ से गिर जाता है और उनका जो पीतवसन है वो क्या होता है, कब पता नहीं कब कपड़ा खिसक जाता है उनको पता ही नहीं चलता। कब उनका जो सर में जो मयूर मुकुट धारण करके रखे, ये मयूर मुकुट भी कभी कभी ये गिर जाता है, कभी कृष्ण ही सोई गिर जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब श्री राधा रानी को तरफ में देखे, देख गई तो कृष्ण डगमगाने लग गए। कृष्ण गिरिराज को उठा कर रखे थे, ये गिरिराज भी डगमगाने लगे। सखाओं ने बोल कन्हैया क्या बोल रहे, ये गिरिराज गिर जाएगा, तुम ठीक से गिरिराज को धारण करो। इसलिए कृष्ण चाहते थे ये सारे ब्रजवासियों को लेकर के मैं चाहता हूँ 7 दिन तक इनको साथ में उत्सव करूं। और जो चौथा कारण है, कृष्ण क्यों गिरिराज को उठाए, कृष्ण का जितने लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ लीला है ये रासलीला। कृष्ण चाहते हैं मैं रासलीला करूंगा, लेकिन रासलीला तो अकेले नहीं कर सकता हूँ बगैर ब्रज गोपियों के। इसलिए एक उदाहरण दिया, जैसे एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा और उनको साथ में खूब लड़ाई करेगा, लड़ाई करके सबको परास्त कर देगा। वो जो हीरोइनी जब देखेगा बाबा रे ये तो बड़ा बलवान है, ये सबके सबको परास्त कर दिया, वो अपने आप उसका जो मन है वो हीरो का प्रति आकर्षण हो जाता है। कहते ब्रज का हीरो कौन है, कौन है ब्रज का हीरो, कन्हैया, वो अकेला हीरो ही ब्रज में। अब कहते यहाँ पर हीरोइन कौन है, बोले ब्रज की गोपियां इस सब के हीरोइन। आपको पता है कि गोपियां कितने सुंदर, उदाहरण दिया है। कहते ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं, कहते इनकी स्त्रियों की जो सुंदरता को एकत्रित अगर करोगे, कहते स्वर्ग में एक अप्सरियों को साथ में समान होता है। समझो स्वर्ग में उर्वशी रंभा मेनका जो स्त्रियां हैं इतने सुंदरी, कहते वहां पर स्वर्ग में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे, जा करके मिलता है ब्रज में द्वारका में जो महिषियां हैं कृष्ण की 16108 पटरानियां, जो इनकी सुंदरता कहते एक द्वारका में एक महिषियों के साथ में बराबर होता है। पहले वहां पर जितने सारे महिषियां हैं कृष्ण का 16108, कहते इनकी सारी सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे, जा करके कहीं जा करके एक गोपी की सुंदरता को साथ में समान होता है। गोपियां इतने सुंदरी, कहती जितने गोपियां हैं इनकी सुंदरता को एकत्रित करो। कहते श्री राधा रानी के चरण की नख से जो जो छटा निकलती है, कहते वो छटा में ही इनकी सारे सुंदरता समा जाएगी। इतने श्रीमती राधा रानी सुंदर है जो कि कभी हम सोच नहीं सकते, नहीं तो कृष्ण को, इसलिए राधा जी का नाम है, कृष्ण तो जगत को मोहन करने वाले, लेकिन श्री श्याम सुंदर को मोहन करने कौन करती है, श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण का मन को मोहन करने वाले श्री राधा, बोले श्रीमती राधा रानी जय जय श्री इतने श्रीमती राधा रानी सुंदर है। इसलिए अभी कृष्ण चाह रहे हैं ये ब्रज गोपियों को कैसे मैं मुग्ध करके ये रास कैसे करूं, अकेले तो रास कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए उन्होंने दो लीला कृष्ण ने की ये गोपियों को आकर्षण करने के लिए। बोले पहला लीला उसने किया कि बोले कालिया के सर पर प्रभु ने नृत्य की, कहते कालिया का 100 फण था, वो कालिया ने एक साथ में कृष्ण को एक साथ में काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण अपना चरणों को इतने तेजी से चला रहे थे, एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसी समय तांडव नृत्य शुरू हो गया। इतने में सारे देवता लोग आकाश से उतर करके आ गए और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और सारे देवता वाद्य बजा रहे थे। हमारे श्री सूरदास जी एक सुंदर कीर्तन लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति
hum hum pad pad gat hum 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 pad hum par bam 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 pad pad gat hum 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 pad niyo par bing 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 bina talat bing 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 bina talat nagava swari kanda bhagat mondana par nach sabana vari kanda bhagat mondana par nach sabana vari Sana 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 kaadika gan 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 अभी गोपियों ने देख देख करके ना बोले भैया हमने तो बड़े नृत्यकारों को देखे, कोई रस्सी के ऊपर नाचने वाले, कोई गिलासिया के ऊपर नाचने वाले, कोई तलवार के ऊपर नाचने वाले, कोई सर के ऊपर में कलसी लेकर के नाचने वाले, लेकिन हमने कभी देखा नहीं सर्प को सर के ऊपर नाचने वाले। और कितने सर है इसकी, 100 सर था उसकी, और एक को बचा तो फिर दूसरे दूसरे से तीसरे। कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे ना कहते बम बम बलिहारी, मतलब क्या है, शंकर जी का नाम है नटराज, क्योंकि शंकर जी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं इसलिए शंकर जी का नाम नटराज है। शंकर जी सोच रहे थे जितने नाचने वालों में मैं सबसे बढ़िया नाचता हूँ, लेकिन जब कन्हैया आज कालियों को सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे, सारे देवता लोग नीचे उतर करके आ गए, वाद्य बजा रहे हैं, लेकिन कृष्णा अपना चरणों को इतने तेजी से चला रहे थे, वो बाजा बजा नहीं पा रहे थे, वो ताल नहीं दे पा रहे थे इतने। इसलिए शंकर जी बोले प्रभु पहले तो मैं सोचता था सबसे बढ़िया नाचने वाला मैं हूँ, प्रभु आज तो मैं फेल हो गया हूँ। इसलिए शंकर जी कहते बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, प्रभु आपकी बलिहारी हो। इसलिए कृष्ण का एक नाम है नटवर, नटवर मतलब शंकर जी नटराज है, लेकिन कृष्ण को नहीं नटवर, नट मतलब होता है शंकर, बर मतलब होता है पति, जो शंकर जी का भी जो पति है। बोले भैया शंकर जी की पति कन्हैया कैसे हो गए, हम आज सुनेंगे। कृष्ण जब रास कर रहे थे ना, शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन करने आए, शंकर जी गोपी बने हैं ना, वृंदावन में गए गोपीश्वर महादेव को देखे होंगे, इसलिए शंकर भी स्वयं गोपी बन करके शंकर जी आते ही, अरे गोपियों का पति कौन है, बोले कृष्ण कन्हैया। उन्होंने एक लीला की जो काली का सर पर नृत्य कर की और गोपियों का मन को आकर्षण किया, बोले दूसरा काम क्या किया, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया। जब कृष्ण गिरिराज को उठाए कितने साल के थे, कितने साल के थे, बोले 7 साल 2 महीना के कृष्ण थे। और गिरिराज कौन कौन गए हो, गिरिराज सबके सब गए हो, अब लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाए होंगे, अभी तो गिरिराज छोटा हो गया है, लेकिन द्वापर युग में वर्णन आता है उसको ऊंचाई कितना था, इसलिए उनका नाम है गिरिराज। गिरिराज का मतलब क्या, बोले गिरी मतलब होता है पर्वत, राजा मतलब जितने पर्वत में ये राजा थे। हम तो सोचते हिमालय और एवरेस्ट सबसे ऊंचाई, बोले नहीं, उसी समय गिरिराज की जो ऊंचाई कहते 64 मील लंबाई थी, 64 मील लंबाई इतने ऊंचाई थी, लेकिन पुलस्त ऋषि के अभिशाप से वो धीरे 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 गिरिराज नीचे जा रहे, खय होते जा रहे हैं, लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगी ये गिरिराज भी समाप्त हो जाएंगे, गंगा भी समाप्त हो जाएगी, यमुना नदी भी समाप्त हो जाएगी कलयुग की प्रभाव से हैं। इसलिए कृष्ण इतने बड़े गिरिराज उठाया, 7 साल के 7 क्रोश गिरिराज, और उठाया कितना दिन, बोले 7 दिन। गोपियां तो देख देख करके बोले भैया हमने तो बड़े बड़े पहलवान को देखा, लेकिन कृष्ण इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक, और कहां पर, कहते ना कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपी गोप ने करी सहाय,
और गिरिराज की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उन्होंने कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण उठा करके उन्होंने किया किया जितने ब्रज गोपियों का जो मन को भगवान आकर्षण किया, फिर तो भगवान का जो रास है पास चकाचक प्रभु की रास हो गई, भगवान की दिव्य रास प्रारंभ हो गए। इसलिए कृष्ण ये चार कारणों को लेकर कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाए। अभी कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाए, इंद्र मुसलधार से बारिश कर रहा है, संपूर्ण जी जान लगा दी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले सुदर्शन चक्र जाओ तुम ऊपर चले जाओ, जा करके करण सूर्य का तेज को सुदर्शन चक्र ऊपर में प्रकट कर दिए और जितना बारिश ही होना सबके सब ऊपर से ही गिरिराज गोवर्धन सब पानी को उन्होंने सुखा दी। 7 दिन को बाद में इंद्र ने एक दूत को बोले भैया देख करके आओ ब्रज का क्या हालत है। उसने केवल ऊपर ऊपर देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में तो एक चिट्टी तक भी नहीं। उसने और एक दूत को भेजा, भैया तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था। दूसरा दूत आकर के नीचे देखा, देखा वहां पर एक चिट्टी तक भी मरे नहीं, वहां तो धूल उड़ रहा था। अब ब्रजवासी इंद्र तो सोच रहा था ब्रज में कोई विपत्ति आ जाएगी, विपत्ति नहीं, कृष्ण चाह रहे थे ना ये ब्रजवासियों को साथ में 7 दिन तक में उत्सव करूं। सचमुच से वहां पर उत्सव चल रहा था, सबके सब ब्रजवासी होली का कीर्तन गा रहे थे। बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे वापस गया। इंद्र ने पूछा भैया ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं,
बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब? बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था ना वो बालक नहीं, उन्होंने तो बाम अंग हाथ और सबसे छोटा अंगुष्ठी और ये नाक को ऊपर में उन्होंने पूरा श्री गिरिराज को उन्होंने उठा कर रख दी। बोले क्या नाक को ऊपर में इतना बड़ा गिरिराज? बोले हाँ, इंद्र ने ध्यान लगाया, भैया ये है कौन? उन्होंने ध्यान लगा करके देखा जिसने कृपा करके उनको ये इंद्रप्रस्थ दिया, क्योंकि पहले ये बलि ने इंद्र को मार करके भगा दिया था स्वर्ग से। जब उनकी माता ने भगवान विष्णु को आराधना की, भगवान बामन बनकर के उनको स्वर्ग वापस दिए। बामन कौन है? बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश का अंश श्री बामन देव। बोले इन्होंने ही मेरे को कृपा करके ये इंद्र पद को इन्होंने ही दिया था। उन्होंने सोचा गया मेरा इंद्रपद। उसने अपना अमरावती जहाँ पर सची को साथ में विश्राम करता है सोने के लिए गया तो उसको नींद नहीं आई। ठहर गया अपना गुरु जी के पास में। बोले गुरु जी बताओ अभी क्या करना, अभी तो ऐसे ऐसे हो गया। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर बोले चलो श्री ब्रह्मा जी के पास में। जब ब्रह्मा जी को जाकर के बोले ना, बोले तुमने सत्यानाश कर दिया, मैं भी कुछ दिन पहले बड़ी बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले ये जो कृष्ण अवतार है ना, वो ऐसे एक अवतार हुए हैं जिनकी चरण में 33 करोड़ देवता जिनकी चरण में नाक रह गए। बोले आप कैसे फंस गए थे? बोले एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराते चराते वृंदावन में गए, उन्होंने अघासुर को उन्होंने वध किया। जब अघासुर को वध की, सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयकार लगाए धीरे 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 ये जयकार ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा बोले भैया क्या बात, यहाँ इतने जय जयकार क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले मैं उतर करके आया और मैंने एक आश्चर्य घटना देखा। कृष्ण का उम्र उसी समय था केवल 5 साल की और विशाल अघासुर जिस असुर को स्वर्ग में देवता लोग भी जिसकी डर में थरथर कांपते थे, लेकिन कृष्ण ने इतने बड़े दैत्य को उन्होंने मार डाले। और क्या देखा? जब कृष्ण उसका मुंह से निकले ना, उसका ब्रह्म ताल फट गई और एक ज्योति ऊपर में घूम रहा था और वो ज्योति आकर के कृष्ण के चरण में समा गया। ब्रह्मा सोचे भैया ये बालक है कौन, क्योंकि जो ज्योति है ब्रह्म ज्योति, इनकी चरण में ये ज्योति समा गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले और आगे थोड़ा लीला देखता हूँ। अभी कृष्ण जमुना किनारे में सब सखाओं को लेकर बैठे हुए, कृष्ण बीच में और सारे सखा गोला करा करके एक गोला दूसरे चक्कर ऐसे करते करते हजार हजार सखाओं के साथ में कृष्ण भोजन कर गए थे। जो अपना घर से कोई मालपुआ लाया था पहले खा कर, बोले कन्हैया मेरे मैया ने बड़ा मीठा मालपुआ भेजा है। बोले तू क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे? कृष्ण वो मालपुआ खा रहा था, खा करके कृष्ण को खिला रहा था। घर से जो जो चीज जो लाए थे पहले तक खा रहे थे, फिर कृष्ण को खिला रहे थे और कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक दोस्त का झूठन खा रहा था। ब्रह्मा का बुद्धि तो खराब हो गया। बोले ये कैसे भगवान है जिनको झूठन फुटन को भी पता नहीं, ये सबका झूठन ये खा रहा है। ब्रह्मा जी को तो बुद्धि चकरा गया। बोले और आगे थोड़ी सी लीला देखता हूँ। उन्होंने जो बछड़े को छोड़ दिए थे चराने के लिए, ब्रह्मा जी बछड़े को चोरी कर लिया। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए? कृष्ण बोले तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब उन्होंने बछड़ों को देखने के लिए गए, इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ये सारे सखाओं को भी चोरी करके ले गए और एक गुफा में लेकर उनको बंद कर दिया। कृष्ण ने देखा मेरे सखा कहाँ बछड़ा कहाँ। इतने में जोग माया ने स्मरण कराया, बोले प्रभु ये ब्रह्मा आपका जो बाल्य लीला है ये समझ नहीं पाया, ये आपकी लीला दर्शन करने के लिए बछड़े सखाओं को ये ब्रह्मा ने चुराया। इतने में कृष्ण ने क्या किया, ये ब्रह्मा अपना ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं बन गया ब्रह्मा और स्वयं जाकर के ब्रह्मलोक में जो दरवान था ना, बोले मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, मैं अंदर में जाता हूँ, अगर मेरे जैसे कोई आएगा घुसने मत देना। कृष्ण स्वयं जाकर के ब्रह्मा का आसन पर बैठे।
जब ब्रह्मा थोड़ी देरी बाद में पहुंचा, उनका जो नौकर लोग थे दरवान, डंडे लेकर के ब्रह्मा को मारने दौड़े, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो सही बता रहे थे, मेरे जैसे जो बहुरी प्रिया घूमते हुए। ब्रह्मा को जब उनका नौकर लोग डंडे लेकर के मारने भागे, तू कहां से आ गया, बोले भैया ये क्या बात, मेरे नौकर मेरे को मारने आ रहे, पर ये ब्रह्मा पद में कौन बैठ गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर देखे, मेरे प्रभु ही स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठे। ब्रह्मा तो देखो भगवान की जो ऐश्वर्य है ना, हमारे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, देखो ये कथा को सुनो, कृष्ण कौन है इससे आपको पता चल जाएगा। कृष्ण जो लड्डू गोपाल दिख रहे हैं ना, वो इतना छोटे नहीं, वो बड़े खोटे भी है, है? हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं, एक समय ब्रह्मा जी द्वारका में प्रभु कृष्ण को दर्शन करने आए। एक दरबार था, बोले प्रभु जी कोई है कि ब्रह्मा आपको दर्शन करना चाहते हैं। इतने में कृष्ण बोल दिया उसको, पूछ कर क्या कौन सा ब्रह्मा है। जब उसने पूछा उसको एकदम शरीर गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया, बोले क्या कौन सा ब्रह्मा, क्या दसवीं से ब्रह्मा है। बोले जाओ प्रभु को बता दो सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आ गया है। उसने जाकर के भगवान कृष्ण से बोले, बोले प्रभु इसको सुनते ही तो ब्रह्मा को तो गर्म हो गए। वो बोले सनक पिता श्री चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी, कृष्ण समझ गए, ये समझ रहा है ये अकेला ही ब्रह्मा है। देखो कृष्ण का क्या विभूति है, ये सोचना है मैं अकेला ही ब्रह्मा, अभी उसको पता नहीं कुछ, बोले बोल दो आने के लिए। इतने में ब्रह्मा आकर के प्रभु के चरण में प्रणाम किया, बोले प्रभु आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने प्रश्न किया कि ये कौन सा ब्रह्मा, ऐसे क्यों प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा दस बीस ब्रह्मा है। इतने में कृष्ण ने कहा थोड़ी सी कोने में खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी सी अपना मंत्र जप कर लेता हूँ। इतने में कृष्ण आंख बंद करके जितने ब्रह्मांड के जितने ब्रह्माओं को उन्होंने स्मरण किया, इतने में देखा आठ सर वाले के ब्रह्मा आ गया, आकर के प्रभु का चरण में प्रणाम कर रहा था। प्रभु पूछ रहे थे सब कुशल मंगल है ना, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। इतने में देखा सोलह सिर वाले ब्रह्मा आ गया, फिर देखा बत्तीस सर वाले ब्रह्मा आ गया, फिर चौसठ सर वाले, ऐसे हजार हजार सर वाले ब्रह्मा और हजार हजार सर वाले शंकर आए। और प्रभु चरण जिसको ऊपर में चरण रखे थे उनको चरण में जब प्रणाम कर रहे थे, उनके सर में जो मुकुट था ना, वो मुकुट का झनकार शब्द हो रहा था। और ये जो ब्रह्मा जिसका चार सर था, जैसे हाथियों के बीच में एक मच्छर होता है, इसकी अवस्था ऐसे हो गया। लेकिन ये ब्रह्मा तो सब ब्रह्मा को देख रहे थे, लेकिन सब ब्रह्मा ये ब्रह्मा को नहीं देख रहा था, लेकिन ये देख रहे थे सारे ब्रह्मा को। जब सारे ब्रह्मा चले गए ना, फिर तो ब्रह्मा ने जा करके प्रभु के चरण में माफी मांगा, बोले ब्रह्मा जी ये जो ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए तुम इसका राजा हो, इसका तो सृष्टि करता, और जितने ब्रह्मांड है सबके सब इससे डबल उससे डबल है। देखो ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हैं, हैं स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु अशेष वसुधाति विभूति भिन्नम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु पहले तुम्हारा बड़ा अहंकार था, लेकिन देखा आपकी एक एक लोभ रूप में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत करोड़ ब्रह्मांड एक एक लोभ रूप में प्रभु मेरे सारे अहंकार दूर हो गया। ऐसे भगवान कृष्ण की अद्भुत माया है। इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी जल्दी से जल्दी वहां से वापस आए। जब जल्दी जल्दी वापस आए फिर उन्होंने आश्चर्य में देखा, क्या देखा, कृष्ण हो गया एक साल, उधर गए और आ जाते, देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे ग्वाल बालों के साथ में प्रभु लीला कर रहे थे, अभी भी प्रभु वैसे लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा तो फिर चक्कर में पड़े, बोले ये क्या देख रहा है, मैंने तो सबको लेकर के गुफा में मैंने छुपा कर रख दिया, फिर कृष्ण सबको साथ में कैसे लीला कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी सोचा शायद उनको कृष्ण वापस ले आए, जाकर के देखा नहीं वो तो वैसे तैसे सो रहे हैं। फिर ब्रह्मा इधर दो सर उधर दो सर जब एक साथ में देखा, कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी देखो ये सब ग्वाल बाल सखा कौन है,
ब्रह्मा जी को पता केवल एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा जितने ग्वाल बाल और बछड़े और कोई नहीं, सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, चतुर्भुजधारी नारायण। आप ब्रह्म स्तंभ जहां देखे करोड़ों करोड़ों नारायण। फिर तो ब्रह्मा को पता चला ये जो कृष्ण है कौन है, कहते ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिता है। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन से कूद पड़े, कूद करके पूरा प्रभु जी की चरण में साष्टांग लेट गए और अपना अश्रु से प्रभु की चरण को उन्होंने अभिषेक किया। लेकिन ब्रह्मा जी के चार सर है, ब्रह्मा जी कितना सर है, चार सर है। लेकिन उसने देखा प्रभु का चरण को केवल एक सर ही स्पर्श कर रहा है, लेकिन तीन सर बाकी रह गया और एक शरीर का एक अंग ही ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है, अभी तीन अंग बाकी। ब्रह्मा जी ने देखा ये जो ब्रज है ये साधारण नहीं, के धूला नहीं धूली नहीं, बंगला में कीर्तन है, कहते यहाँ का धूला धूली नहीं, बल क्या है, बोले से राधा रानी की ब्रज गोपियों की चरण धूली है, जिस चरण धूली में कृष्ण स्वयं स्नान किए थे। अरे ब्रह्मा जी तो लोट बोल उठाने लग गए ब्रज रज में, मेरा संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में अभिषिक्त हो जाए। फिर ब्रह्मा जी खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है, 40 श्लोक से प्रभु की स्तुति की। हम आज दो श्लोक सुनेंगे, बहुत ही प्यारा दो श्लोक है। इसलिए ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु है, कहते अगर जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहते हो कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने दो श्लोकों के माध्यम से बताते हैं। बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतं भवदीयबालं स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुबां मनोभी जे प्रायोस अजीत जितोपी स्त्रैलोक्यां। भगवान का एक नाम अजीत, अजीत का मतलब है जो भगवान को पाना बहुत ही कठिन है, उनको जितना बड़ा ही कठिन है पाना। अभी प्रश्न है फिर क्या उनको पा ही नहीं सकते, तब उनका उपाय कहते हैं अगर तुम उनको पाना चाहते हो कैसे पा सकते। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास, बोले हमारे अंदर में जितने अभिमान है सारे अभिमान को त्याग दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे कितने सर है, बोले चार सर है। बोले इंसान का एक ही सर है, अब ब्रह्मा करने वाले कौन, बोले दुनिया को सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते भैया देखो मैंने सृष्टि करने वाला जगत को, और लास्ट में ब्रह्मा जी कहेंगे कि ये पृथ्वी का धूल पना को कोई गिन सकते हैं लेकिन ये ठाकुर जी की महिमा को कोई था नहीं पा सकते। हाँ इसलिए सारे अभिमान को त्याग करते हुए क्या करो, बोले संतों का शरण में जाओ, संतों की शरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से जो कथारूपी मंदाकिनी की नदी बहती है काय मान और वाक्य से उसको स्नान करो, उसमें गोता लगाओ। बोले काय मान वाक्य को द्वारा, बोले भैया कथा तो हम कान से सुनते हैं लेकिन उन्होंने काय मान और वाक्य तीनों को बात बताई। बोले क्यों, बोले जब तक जा करके कथा में जैसे हम जाते हैं ना सीधा बैठ गए, बोले नहीं जाकर सीधा नहीं बैठनी चाहिए, पहले जाकर के वो स्थान को प्रणाम करो, क्योंकि जहां पर ये कथा हो रही है कहते पृथ्वी का जितने पवित्र नदियां हैं जितने ऋषि मुनि हैं जितने देवता लोग भी आकर के वहां पर कथा सुनते हैं, सारे को सारे कथा सुनते हैं। एक संत कह रहे थे एक समय एक संत कथा सुनने के लिए गए लेकिन देखा गेट को बाहर खड़े होकर के देखा वहां पर इतने लोग बैठे हुए, वहां पर प्यार रखने का जगह नहीं, प्यार रखने का जगह नहीं। बोले वो कौन थे, बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गंधर्व और जितने पवित्र नदियां सबके सब वहां पर बैठ करके सबके सब भगवान की सबके सब कथा सुन रहे थे। इसलिए कहते जहां पर कथा होती है जा करके पहले वो स्थान को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं सबको प्रणाम करो, जो कथा बोलते हैं सबको प्रणाम करो, और जाते समय ऐसे नहीं खड़े होकर चले गए,
बोले नहीं ऐसे नहीं, पहले वो जो स्थान है पवित्र स्थान, देखो ये एक पार्क है, एक पार्क थी ना, लेकिन वहां पर सब के सब जूते लेकर के आते थे, बच्चे लोग खेलते थे, लेकिन जब कथा हो रही है वो जूते को कहाँ रख रहे हैं, कहाँ जूते कहाँ है, ये गेट के बाहर रख रहे हैं, सब कुछ रख करके आए ना, क्यों, यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, इसलिए जहाँ पर कथा हो ब्रह्मा जी कहते काय, काय मतलब शरीर, पहले जा करके उस स्थान को प्रणाम करते हुए बैठो, फिर कथा कैसे मन से सुनो। और उन्होंने बोले वाक्य, वाक्य मतलब जो कथा सुनते हो ये कथा को जाकर के दूसरों को सुनाओ, कथा अपना पास मत रखो, दूसरों को कथा भी सुनानी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं प्रति घर घर में जाकर के सबके पास में भिक्षा मांगो। बोले किस चीज की भिक्षा, बोले बोलो कृष्ण भजे कृष्ण कर कृष्ण सिख्या, सबके पास में कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो। देखो एक राधा रानी, हमारा राधा दासी याद रहे ना, वो घर घर में जाकर कथा सुनाती है, उन्होंने कथा सुनाई तब तो उन्होंने फिर भागवत कथा को रखी, फिर तो आप लोग बुलाए, फिर गुरु जी के पास में गए हैं। अगर एक व्यक्ति अगर इतने भक्तों को जोड़ सकती है कथा सुना करके, अगर आप लोग एक एक व्यक्ति अगर इनके जैसे बन जाओ तो क्या होगा, संपूर्ण जो दिल्ली है ना, संपूर्ण जो दिल्ली है ना, पूरा कृष्ण भक्ति में सबके सब संपूर्ण दिल्ली रंग जाएगी। इसलिए श्री महा कहते हैं महाप्रभु सब जीव को यही आदेश देते हैं, जाओ घर घर में जाकर क्या करो, कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो सबके जाकर के। इसलिए काय मान और वाक्य को द्वारा कथा सुनो। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवां मनोवी। अगर किसको बोलो भजन करने के लिए ना, बोले कि भैया अभी समय नहीं है भजन करने के लिए, अभी बेटी बड़ी नहीं हुई, अभी बेटी की शादी करवाना, बेटा अभी नौकरी नहीं किया उसका भी शादी करवाना, घर में बहुत सारे काम हैं, जब ये सारे काम निपट जाएगा ना फिर तो हम भजन करेंगे। बोले भैया तू निपट जाओगे, लेकिन घर का काम कभी नहीं निपटेगा, घर का काम कभी निपटेगा, हम सोचते हैं शायद बेटा का शादी हो जाएगा निपट जाएगा, घर जो बहू आ जाए ना, जब बच्चा हो गया, पहले तो सत्संग में चले जाते थे, अभी जा सकते हो, बोले बच्चे को लेकर बैठो, अगर नहीं लोगे तो फिर बहू ताना मारेगी, जो करीब घूमते रहते हैं इधर उधर, बच्चे को नहीं देखती है, इसलिए कभी संसार का काम कभी नहीं निपटता है, हम स्वयं निपट जाओगे लेकिन कभी ये काम कभी नहीं निपटेगा संसार का। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान तुम्हें जिस स्थिति में रखे वो स्थिति को समझो, ये बढ़िया स्थिति है, और उसी स्थिति में रह करके क्या करो, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भैया जीवन में जो कुछ आता है ना उसको अपना कर्म का फल मानकर भोग कर लो, कभी दूसरों को पर कोई दोष मत लगाओ, इस वजह से ऐसे हुआ, उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया, कद नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। वो उदाहरण देते ही, अगर हम जैसे बीज बोएंगे ना वहाँ पर ठीक वैसे ही वृक्ष आएगा, अगर हम नीम का बीज बोए वहाँ पर क्या अंगूर का वृक्ष आ जाएगा, अगर वहाँ अंगूर का बीज बोए वहाँ पर क्या नीम का बीज आएगा, नहीं, कहते हम पूर्व जन्म में जो जो कर्म करके आए वो कर्म का फल अभी हम भोग कर रहे हैं, इसलिए कभी किसी के ऊपर में कोई दोष मत लगाया करो, जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते 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 उसको अपना कर्म फल मानकर भोग कर लो, लेकिन क्या करो, बोले भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान का भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर दुख आए ना क्या समझो, हमारा पाप कट रहा है, हमारे पाप कट रहा है, दुख आए तो पाप को लेकर जाता है ना, जगत में कोई नहीं चाहते पुण्य खत्म हो, पुण्य कब खत्म होता है, जब सुख देकर पुण्य खत्म होता है और दुख देकर के पाप खत्म होता है, इसलिए कोई दुख आए तो क्या समझो, जब भगवान कृष्ण माँ कुंती को बोले भर मांगो,
मैया कुंती ने क्या भर मांगी, झोली पसार करके बोले विपद संतु ने प्रभु, प्रभु मेरे झोली में विपत्ति भर दो। कृष्ण ने कहा बुआ जी सारा जीवन इतने विपत्ति भोग किया, जंगल जंगल में भटके, क्या इतना विपत्ति दुख भोग करके पेट नहीं भरा। जब फिर मैं कहता हूँ कुछ भर मांगो, फिर झोली पसार करके कहते विपत्ति दो। बोले क्यों? कहते प्रभु बोले सुख मात सील पड़ी जो राम हृदय से जाए, बलि हरी वो दुख को जो पल पल नाम जप कराए। इसलिए दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरण करे दुख काहे को आए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, भले ही दुनिया छूट जाए, एक दिन तो दुनिया छूटेगा तुमसे, लेकिन भगवान की हर स्थिति में रह करके भगवान की भजन करते रहो, भक्ति करते रहो। अगर ऐसे धीरे धीरे भक्ति करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, बस ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवान के पास तुम चले जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी इंद्र को कह रहे हैं, बोले इंद्र एक दिन मैं भी बड़े बुरे तरह से फंस गया था, इसलिए ये जो कृष्ण है ना ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं, मेरे को बड़ा नाक रगड़ना पड़ा प्रभु के चरण में। बोले अभी बताओ मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, भगवान का नाम है गोपाल, मतलब जो गैया को जो भगवान जो पालन करते हैं, इसलिए इनका नाम गोपाल है। इसलिए गैया को बड़े प्रभु प्यार करते हैं, और जो सुरभि गाभी की शरण में चलो, चल करके हम जाते हैं कृष्ण के चरण में। फिर उन्होंने सुरभि गाभी को लेकर के भगवान की शरण में आए, भगवान गोपाल गैया को देखते ही खुश हो गए, प्रभु प्रसन्न हो गए, और उन्होंने इंद्र को, इंद्र ने भगवान को अभिषेक की, अभिषेक करके एक उनका नया नाम रख दिया, जिनका नाम रखा गोविंद है। और भगवान को जो अभिषेक किया वो जो चरणामृत है, अब लोग गोवर्धन का परिक्रमा लगाए होंगे, वहाँ पर जो गोविंद कुंड है, ये गोविंद कुंड नहीं ये चरणामृत कुंड है, वहाँ पर आचमन लेने से कहते भगवान का चरणामृत लेने का वहाँ फल मिलता है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राम। इसलिए ऐसे ही भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण करके ब्रजवासियों को उन्हें रक्षा किया है। प्रभु जी आपके के भजन सुनाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। गिरिवर ले नो धार कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरिवर ले नो धार कन्हैया मेरो मेरो मारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो प्यारो, नख पे गिरिवर ले नो धार कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरिवर ले नो धार कन्हैया मेरो प्यारो। श्री राधे गिरिवर ले
ये मंत्र दो काम करता है। इसे साधारण जगत में जिस लड़कियों की शादी नहीं होती, अगर ये मंत्र को कोई ठीक ठीक से जप करे ना, उसको बढ़िया पति मिल जाएगा। ये इसका साधारण फल है। लेकिन इसी मंत्र से ये गोपियों ने इसी मंत्र को द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा करके उन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया है। ये मंत्र में इतने शक्ति है, कहते हे कात्यायनी, हे महामाए, हे जोगीन, हे अधीश्वरी, आप तो अघटन घटन पटे ऐसी हो, नहीं को हे को नहीं कर सकते हो। अगर आप कृपा करके श्री नंद के लाला जो कृष्ण कन्या को हमारी पति बना दो। ये गोपियाँ एक महीना तक एक बार भोजन करती थी, दिन भर भगवान की कीर्तन करती थी, और एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जा करके यमुना में स्नान करके और कात्यायनी की बड़ी सुंदर पूजा करती थी। भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के कृष्ण इनकी वस्त्र हरण की, बोले कृष्ण नहीं किया है, कृष्ण वस्त्र हरण नहीं किया है। जिस दिन कृष्ण वस्त्र हरण किए, साथ में कुछ ग्वाल वाल ले गए थे जो प्रिय नर्म सखा है, कृष्ण उनको द्वारा उन्होंने कपड़ा उठवाए, कृष्ण स्वयं नहीं कपड़ा उठाए। और गोपियों ने, स्त्रियों का सबसे जो बड़ी चीज है, कहती ये अपना लज्जा है, लेकिन गोपियों ने कृष्ण के चरण में पूरा लाज लज्जा उन्होंने सब कुछ कृष्ण के चरण में दे दिया। तो कृष्ण प्रसन्न हो गए, होकर के बोले हे गोपियां, शरद पूर्णिमा में हम तुम लोगों को साथ में निभा सकते हैं। अभी बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जो माया उपाश्रिता
कहत भगवान की, भगवान जो ये रास रचा है कहते महामाया को नहीं, उन्हें अपना जोग माया को आश्रय करते हुए। कहते यहाँ पर मूल रूप में जोग माया कौन है, बोले श्री राधा रानी, क्योंकि जो रास है सॉरी श्रीमती राधा रानी है, इसलिए राधा रानी की बगर अगर आप लोग कोई महाराज देखे होंगे ना वृंदावन में, देखना राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई होती है, इतने में श्याम सुंदर आकर के राधा रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, बोले हे राधे ये रास का समय है गयो है, आप कृपा करके श्री रास में पधारो। इसलिए राधा रानी को बताया ये कौन है, बोले ये रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इनके बगैर रास असंभव है। इसलिए हम आगे सुनेंगे वहाँ पर कृष्ण भी थे, सब के सब गोपियाँ भी थी, लेकिन जब श्री राधा रानी मान करके रास को त्याग दी ना, उसी समय में रास टूट गया। वो कृष्ण थे रास कर सकते थे, लेकिन रास राधा रानी के बगैर रास असंभव है। इसलिए भगवान ने जो ये दिव्य रास की है ये राधा रानी की चरणों को आश्रय करते हुए उन्होंने ये रास की। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी देखो ध्यान देकर सुना, जब ये रास लीला को प्रारंभ करते हैं ना वो सबको सावधान कर देते हैं, बोले भैया सावधान, ये जो कृष्ण रास करने वाले और आप और हम नहीं हैं, कितने गोपियों के साथ में रास किया, बोले 100 करोड़ गोपियां, इतने गोपियों के साथ में प्रभु रास की। अगर घर में एक व्यक्ति का अगर 2 बीबी हो जाए ना, देखना 3 बार महाभारत चले, महाभारत महाभारत, बोले एक समय को एक व्यक्ति था उसको घर में 2 बीबी थी, वो दिन भर काम करके जब घर में आता है सोचता है तो शांति मिलेगी, बीबी थोड़ी सी मीठी मीठी बोली गर्म गर्म रोटी बैठा कर खिलाएगी, लेकिन एक घर में आए ना महाभारत, रोज ही घर में महाभारत, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे, बोले बाहर में भी परेशान घर में भी परेशान, बोले एक काम करता हूँ दोनों के लिए 2 मंजिली मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी और नीचे रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा। अभी क्या होता है जो नीचे रहती है ना वो पहले से ही खाना पीना बना करके वो दरवाजे को बाहर बैठ रहती है, जब पति आए हाथ पकड़ करके जोर जबरदस्ती अंदर में ले जाए। अभी जो ऊपर में रहती है वो दिन रात भर परेशान है। एक दिन जो ऊपर रहती थी खाना पीना बना करके उसने नीचे उतर करके आ गई, बोले आज मैं मजा चखाती हूँ, एकदम गेट के सामने बैठ गई। जब पति आए ना बोले रोज रोज नीचे चले जाते मैं ऊपर बैठी रहती, चलो ऊपर आए चलो, पति को हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रही थी। इतने में ठीक उसी समय में एक चोर ने चोरी करने के लिए आया था, है जब चोरी करने के लिए आया था एक पत्नी तो हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रही थी सीढ़ी में, एक पति पत्नी नीचे थी, बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो खाना पीना बना कर बैठी हुई हूँ। एक ने टांग पकड़ लिया और एक हाथ पकड़ लिया, अभी दोनों कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इतने में वो जो चोर चोरी कर रहा था ना, अभी वो चोरी किया करके भूल गया इनका नाटक देख करके, बड़े देर में इनकी जब झगड़ा समाप्त तो हुई देखा घर में एक चोर बैठा हुआ, इतने में चोर को पकड़ कर पुलिस के पास मिले गए, बोले इसको क्या सजा देंगे, बोले मेरे को जो कुछ सजा देना सब सजा लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो, बोले क्या, बोले मेरे घर में 2 बीवी नहीं होनी चाहिए, ये सजा को मैं कभी मत दिया। देखो घर में अगर 2 पत्नी हो जाए तो महाभारत, लेकिन कृष्ण जब कृष्ण द्वारका में थे उन्होंने 16108 पटरानियों को साथ में प्रभु विहार कर रहे थे। एक दिन नारद जी पहुंचे द्वारका में, बोले घर में अगर 2 बीवी हो जाए दिन भर महाभारत, लेकिन इतने बीवियों को कृष्ण कैसे संभाल रहे हैं। जब उन्होंने द्वारका में रुक्मिणी को घर में प्रवेश किया, देखा प्रभु जी रुक्मिणी को लेकर वहां पर यज्ञ कर रहे थे, और कृष्ण नारद जी को स्वागत किया चरण धोए, जब वहां से विदाई की ना वो गए फिर सत्यभामा के घर में, जब गए देखा वहां कृष्ण बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, यहाँ विदाई किया वहां पहुंचे तो कृष्ण कह रहे नारद जी हम तो बड़े दिनों में आए हो। नारद चक्कर में पड़ गए, बोले प्रभु तो अभी अभी विदाई दी, अभी कह रहे हैं बड़े दिनों में आए। जब वहां से फिर काली जी को घर में गए देखा वहां पर बैठ कर चौकट खेल गए थे, फिर कृष्ण बोले हम तो बड़े दिनों में आए बीच बीच में आया करो। कृष्ण जिस घर में नारद जी गए उसी घर में प्रभु को अलग 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 लीला करते हुए देखे,
है, इसका मतलब है भगवान ही ऐसे कहे जो सभी का इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो रास रचया है ना वो जीव नहीं वो भगवान है, है? इसलिए सावधान, ये भगवान सावधान है। तब यहाँ पर हमारे एक टीकाकार हुए हैं जिनका नाम थी श्रीधर स्वामी। कुछ कुछ लोग भगवान के ऊपर में लांछना लगाते, अरे कृष्ण किया सब गोपियों को लेकर के नाच नचे, लेकिन वो श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान की ये जो रास लीला है ना कभी ये काम विजय लीला है। उन्होंने भगवान काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। बोले कैसे? तो उन्होंने बड़ा सुंदर कथा सुनाया। बोले एक समय कामदेव का बड़ा अभिमान आ गया, बोले सारा दुनिया को मैं अपना हाथ के मुट्ठी में रख लिया है क्योंकि हमने इंद्र को भी छक्का छुड़ा दिया। इंद्र ने अहल्या के ऊपर आसक्त हो गया और उनको इतने दुर्दशा भोगना पड़ा, इंद्र को बड़ा दुर्दशा भोगना पड़ा। कहते मैंने ब्रह्मा जी को भी छक्का छुड़ा है क्योंकि एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को उन्होंने सृष्टि की, वो लड़की इतने सुंदर थी ब्रह्मा अपना बेटी को ऊपर आसक्त हो गए और उसको पीछे भागे थे ब्रह्मा जी। इसलिए कामदेव सोच रहे ब्रह्मा को भी मैंने जीत लिया। बोले शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, वो जोगी जोगी महाजोगी उनका भी छक्का छुड़ा है। बोले कैसे? बोले जिस समय समुद्र मंथन से जब हमारे मोहिनी प्रकट हुई उसी समय सबके सब देवता थे लेकिन केवल शंकर नहीं थे। लेकिन शंकर जी को बाद में पता चला भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और इतने सुंदर स्त्री बन करके आए थे, सारे देवता बोल रहे थे जीवन में तो हमने कभी ऐसे स्त्री देखा ही नहीं। एक दिन शंकर जी भगवान के पास में आए, बोले प्रभु जी वो लीला को थोड़ा दिखाओगे? बोले कौन सा? बोले वो, बोले बताओ कौन सा? बोले मैंने सुना था अब समुद्र मंथन का समय पर महीन रूप धारण किया था। बोले हाँ। बोले प्रभु जी वही रूप थोड़ा दिखा दो। भगवान ने कहा शंकर जी ये राक्षसों को मोहित करने के लिए मैंने रूप दिया था और ये रूप को देखोगे ना तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते। बोले प्रभु क्या बता रहे हो, मैं जोगी जोगी महाजोगी हूँ इसलिए प्रभु एक बार दर्शन करा दो। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, समय आएगा तो एक बार दिखा दूंगा। एक दिन श्री शंकर जी बड़े सुंदर हैं जंगल में बैठे हुए थे और माता पार्वती को गोद में लेकर के, पार्वती बहुत ही सुंदरी है और अपना त्रिशूल को गाड़ करके रखा था। इतने में भगवान सुंदर एक कुंज से ठाकुर जी पास एक सुंदर स्त्री रूप धारण करते हुए गेंद को उछालते हुए भगवान मोहिनी रूप से प्रकट हुए। जब प्रभु दीन में प्रकट हुए ऐसे लग रहा था मानो दीन में एक चंद्रमा कहाँ से प्रकट हो गया। क्या सुंदर प्रभु का रूप, उनने गेंद को उछालते हुए जब प्रकट हुए। इतने में जब श्री शंकर जी मोहिनी रूप को देखे, पार्वती गोद में बैठी हुई है और मोहिनी ने थोड़ी सी ऐसे इशारा की, इशारा की तो शंकर तो मोहिनी को धक्का मारकर फेंक दी, पार्वती को धक्का मारकर फेंक दी और उन्होंने मोहिनी को पीछे घूमे, अभी अभी पकड़ लिया, अभी नहीं वहां पर, अभी अभी पकड़ लिया। शंकर जी का डंबरू कहाँ पर गिरा, त्रिशूल कहाँ पर गिरे, उनका कपड़ा कहाँ पर गिरे, एकदम नंगे होकर घूम रहे जंगल में। शंकर जी ने थोड़ी देर बाद मुझे होश आया ना, बोले ये क्या मैं नंगे होकर घूम रहा हूँ? इतने में शंकर जी सोच रहे थे शायद ये लीला को किसी ने देखा नहीं। फिर शंकर जी आ गए ना चुपचाप बैठ गए। इतने में प्रभु प्रकट हुए, बोले क्यों? बोले मैंने तुमको मना कर रहा था ना मेरे मोहिनी रूप को मत दिखा करो। शंकर जी का सर नीचा हो गया। बोले प्रभु सचमुच से आपका जो माया है ये माया को पार पाना बहुत ही कठिन है, इसलिए कामदेव सोच रहा है मैंने शंकर जी को भी छक्का छुड़ा दिए। बोले नारद जी ये भी बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने भी कभी तपस्या की? तपस्या की तो वहां पर रंभा और बस मैंने कहा जब प्रकट हुए नारद जी जब आंख खुले ना सारे अप्सरा भाग गई वहां से। हाँ शंकर जैसे तीसरी नेत्र से जैसे जला देते हैं हमको जला नहीं दे, नारद जी को तो बड़ा अभिमान हो गया मैंने तो माया को जीत लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पिताजी आप जो काम नहीं कर पाए ना वो काम नहीं कर दिया। बोले क्या किया? बोले माया को जीत लिया। बोले बेटा राम 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 कभी बोलना नहीं, माया की पराक्रम तू नहीं जानते हो। नारद जी ने देखा इतना बड़ा काम क्या मेरे को बाबा नहीं दे रहे। फिर भोले बाबा को पास में गए, बोले माया को मैंने जीत दिया।
श्री भोले बाबा के कान में अंगुल डाल दी, बोले राम 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 राम। ये बात कभी बोलना नहीं, मैं भी पहले ही से सोचता था। बोले इतना बड़ा काम क्या कोई भावा नहीं दे रहे, सीधा वैकुंठ में भगवान के पास में पहुंचे, नारायण के पास में। बोले प्रभु ये जगत में जो काम को कोई नहीं कर पाए वो काम को मैंने कर दिया। बोले क्या किया? बोले माया को मैंने जीत लिया। भगवान ने देखा इसका फोड़ा हो गया, इसको ऑपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति करते करते अगर किसी मन में कोई अभिमान आ जाए ना, कभी जो अभिमान है ये भक्ति से जीव को गिरा देता है। बोले नारद जी को तो अभिमान आ गया, इसको तो ऑपरेशन करनी चाहिए, फोड़ा हो गया। इतने में भगवान बड़े बहावा दिए, बोले देख एक माया जी मैं हूँ और तू मेरा बेटा हो, तू तो माया को जीतो गई। भगवान खूब पीठ पर हाथ थपथपाए, नारद जी का छाती तो इतना बड़ा हो गया। भगवान देखो हमें कितना इज्जत दिया। इतने में नारद जी उतर रहे थे और भगवान ने क्या किया, बीच में एक सुंदर स्वयंवर सभा को रचना कर दिया। वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं सुंदर वरमाला लेकर के चारी तरफ में देवता लोग बैठे हुए, और वो जो लक्ष्मी बड़ा सुंदरी और वरमाला लेकर के किसको गले में मैं डालू, जो सबसे सुंदर होगा उसकी गले में मैं डालूंगी। नारद जी जब आए, वो लड़की के पिता बने हुए थे, नारद जी को स्वागत करके लाए। नारद जी इधर आओ, मेरी बेटी की स्वयंवर सभा हो रही है। बोले नारद जी थोड़ा मेरे बेटी का हाथ ना देख लोगे, लड़की के भविष्य किया। नारद जी जब हाथ देखा तो ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी, अगर इसको साथ में किसकी शादी होगी ना, उसका महिमा पृथ्वी में जाएगा, घर में लक्ष्मी एकदम टिक रहेगी, पति अजर अमर बनेगा। इतने में नारद जी का मुंह में तो पानी आ गया। बोले भैया सबके सब दो दो है, लक्ष्मी नारायण सीता राम पार्वती शिव इंद्रा इंद्राणी सबके सब दो दो। बोले भैया मैं अकेला ही रहूं और इतने सुंदरी लड़की इसको साथ में मैं ही शादी कर लूं। अभी नारद जी की तो लोभ हो गई, लेकिन नारद जी ने देखा मेरे को अभी पसंद नहीं करेगी, क्यों, मैं तपस्या करते करते मेरा शरीर एकदम सूख गया है, लेकिन इन जगत में सबसे जो सुंदर है ये भगवान नारायण है। अगर थोड़ी समय के लिए नारायण का रूप को मैं मांग करके ले आऊ ना, ये जरूर मेरे गले में ये माला डाल देगी। इतने में नारद जी ये मरते जगत में क्या आएंगे, नारद जी सीधा वैकुंठ गए। बोले प्रभु आपसे मैंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की, मेरे को एक चीज थोड़ी समय के लिए दे दो। बोले बताओ कौन सा रूप है। बोले आपका जो ये नारायण का रूप थोड़ी समय के लिए दे दो। बोले ठीक है बेटा, मैं तेरे को ये हरि रूप देता हूँ, ये बंदर का एक नाम होता है हरि, इसलिए भगवान ने उसका जो मुंह को ना एकदम बंदर बना दिया। लेकिन नारद जी सोच रहा था मैं तो बड़ा सुंदर बन गया। अभी नारद जी वापस आया और वो जो लड़की बरमाला लेकर के घूम रही थी, नारद जी आकर के उसका पास में आ जाते हैं और अपना सर को आगे बढ़ा देते हैं। बोले मेरे गले में माला डाल दो, मैं इतने सुंदर हूँ। लेकिन वो लड़की नाक को सिकुड़ाते हुए दूसरे तरफ में भाग जाती है। नारद जी ने सोचा लगता है मेरे ऊपर इसका नजर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने पूरा सभा में उसको घुमा दिया, नारद जी को इधर से उधर करते करते। इतने में नारायण गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठ करके उतर करके आए, आते ही माँ लक्ष्मी इनकी गला में माला डाल और भगवान उसको बैठाए। और जब जा रहे थे ना, देवताओं ने बोला नारद जी देखो तो सही तुम्हारी मुंह कैसे, एक शीशा पकड़वा दिया, देखा काला बंदर का मुंह। इतने में नारद जी का इतना क्रोध आया, बोले जो हरि ये सब पे ऐसे नाच नचाता है और मेरे को बोला मैं अपना हरि रूप दे दिया और मेरे को तुमने काला बंदर का मुंह दे दिया। मैं अभिशाप देता हूँ जिस लड़की को पीछे तुम्हें मुझको तुमने दर दर भटकाया, एक दिन इसी लड़की को पीछे तेरे को भी दर दर भटकना पड़ेगा। उन्होंने अभिशाप प्रभु को दे दिया। इतने में भगवान ने अपना माया को हटा लिया। जब माया हटा लिया, नारद जी ने देखा हे भगवान मैं तो सोच रहा था माया को जीत लिया था, अभी साक्षात लक्ष्मी को बड़ा आसक्त हो गया, मैंने प्रभु के चरण में गिर पड़ा। भगवान बोले कोई चिंता मत करो नारद जी, ये जो राम लीला है ना वही लक्ष्मी सीता बन करके आएगी, और जब रावण इसको उठा करके ले जाएगा भगवान को भी इसको पीछे रोना पड़ेगा। कहती राम लीला के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले जब ये सीता को हरण करके कोई ले जाएगा ना, तेरे जैसे काले बंदर वाले
उसमें हमें मदद करेंगे। ये रामलीला, इसलिए यहाँ पर श्री कामदेव सोच रहे हैं सारा दुनिया को मैंने हाथ का मुट्ठी में ले लिया, लेकिन केवल एक व्यक्ति बाकी रह गया। बोले कौन? बोले भगवान कृष्ण। अगर इनका हाथ में दो हाथ हो जाए ना, फिर तो सारा दुनिया का मैं जीत लूंगा, दुनिया का मालिक मैं बन जाऊंगा। एक दिन कामदेव भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु जी मेरे साथ में दो हाथ कर लो, सारा दुनिया को मैंने परास्त कर दिया, केवल आप ही बाकी रह गए। प्रभु भगवान ने बोले नारद जी, मैंने जब द्वापर युग में इसी मर्त्य जगत में कृष्ण बन करके जाऊंगा, तब तेरे साथ में मैं युद्ध करूंगा। कामदेव बोले क्या, जब कृष्ण बन करके जाओगे रास करोगे? अभी हम कथा सुना रहे थे ना, गोपियां कितना सुंदरी है, कितने सुंदरी गोपियां हैं। बोले स्वर्ग का जितने सारे अप्सरियों का सुंदरता को एकत्रित करने पर कहते एक महिषियों के साथ में बराबर होता है, और जितने महिषियां की जितने सुंदरता एकत्रित कर तो एक गोपी को साथ में, और सारे गोपियों की सुंदरता को एक कर दो तो राधा जी की चरण की नख की छटा में ये सारी सुंदरता समा जाएगी। इतने सुंदर श्री राधा रानी, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, भगवान कृष्ण बड़ी मीठी 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 भगवान बंसुरी बजाए, जब भगवान बंसी ध्वनि किए, उसी समय जूही चमेली बेली केतकी सुंदर सुंदर पुष्प सबके सब प्रस्फुटित हो रहा था। जहाँ पर जमुना नदी कलकल नाद से जमुना नदी बह रही थी सुंदर, जहाँ पर कमल का फूल खिले हुए है, रात्रि एकदम 12 बजे सारे काम उद्दीपक वहां पर चिन्ह, सारे काम उद्दीपक वातावरण। इतने में भगवान कृष्ण बंसी ध्वनि बजाए, बोले बंसी से कौन सा आवाज निकली? बोले जगो कलो बाम दृशा मनाया। कृष्ण ने ये क्लिंग शब्द को उन्होंने बजाए। देखो जो क्लिंग अक्षर है, आप देखना हर मंत्र को पहले क्लिंग है, ये क्लिंग में 5 अक्षर है, क ल ई चंद्र और बिंदु, उसमें 5 अक्षर होता है। बोले क में कौन है? बोले कृष्ण। बोले ल में कौन है? बोले से किशोर जी। बोले ई में कौन है? जब ये दोनों का मिलन होता है, चंद्र बिंदु का मतलब है इनकी मिलन में जो दिव्य आनंद होता है, इसलिए भगवान तो उच्चारण किया क्लीन। लेकिन जितने वहां के गोपियां राधा रानी सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधा 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 ही शब्द निकलता है। ललिता सुन रही थी, केवल बंसुरी से ललिता ललिता शब्द निकल रहा है। विशाखा सुन रही थी, केवल उससे विशाखा विशाखा ही शब्द निकल रहा है। उसी समय कृष्ण उन्होंने देखा पूर्ण चंद्रमा को, क्योंकि शरद पूर्णिमा का रात, उन्होंने देखा तो चंद्रमा को, लेकिन उनको याद आया श्री राधा जी की मुख चंद्र की, राधा रानी की मुख चंद्र की उनको याद आई। जब उन्होंने बंसी ध्वनि की, उसी समय गोपियां सबके सब घर का काम काज में लगी हुई थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई गोदोहन कर रही थी। लेकिन कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते ही सबके सब गोपियां अपना अपना काम को वहीं पर रख करके सबके सब कृष्ण को पास में दौड़ना शुरू की। लेकिन हमारे यहाँ टीकाकार कहते हैं कि कुछ गोपियां तो निकल गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई। बोले कौन निकल गई और कौन नहीं निकल पाई? बोले वही लोग निकल करके चले गए जिनका शरीर ये जगत का किसी पति को साथ में कोई संबंध नहीं था, पति का स्पर्श जिनको साथ में नहीं था, क्या तो वो लोग तो चले गए। बोले जोग माया किसको जाने नहीं थी, बोले जिनका शरीर इसी जगत में पति का शरीर का स्पर्श कर चुका था, वो शरीर हो गया था अपवित्र। इसलिए भगवान की जो रास महोत्सव है, वो रास महोत्सव में वो अधिकारी नहीं, इसलिए जोग माया ने उनको जाने नहीं दी। पतियों ने आकर के बोले खबरदार, ये बीच रात में 12 बजे कहाँ जा रहे हो? अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे, घर से निकलोगे तो
उनको जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया इतने में गोपियां कृष्ण घर में इतने दुखी हो गए, बोले हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, ये दिवरास महोत्सव में क्या हम मिल नहीं सकते हैं। लेकिन जब कृष्णा विरह उनके हृदय में प्रकट हुई, सुंदर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण ये दिया जैसे एक वृक्ष में जैसे आम होता है, जब आम एकदम पुष्ट हो जाए क्या करता है, आम को सब तोड़ देते हैं, तोड़ करके और उसको गर्मी रेती के ऊपर गर्म में रख लो, देखना जो आम है पहले एक पकेगा, बाद में दूसरे पकेगी, फिर तीसरे पकेगी। लेकिन सेवक क्या करता है, जब जब कोई आम पकता है उसका अमोनिया करके फिर भगवान को भोग लगाता है। तो उसी तरह जब उनको रोक दी गई, उनके हृदय में जो कृष्ण के लिए विरह प्रकट हुआ, इतने में उनका जो थोड़ा कच्चा थे ना वो सब के सब पक गए। शरीर तो वहां पर वहीं पर शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आत्मा शरीर से ये सब के सब भगवान के पास में पहुंच गए। जब पहुंच गए इतने में भगवान ने थोड़ा ठीठो लिखी, बोले देखो गोपियां, तुम लोग का पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करनी चाहिए, भले ही पति लंगड़ा लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, इसलिए धर्म है अपना पति की सेवा करे। देखो ये घना घोर जंगल है, ये घना घोर जंगल में तुम लोगों को आना नहीं चाहिए। देखो कृष्ण यहाँ पर दो शिक्षा दिए भगवान, ये रासलीला में शिक्षा देते हैं, कहते जो माताओं का स्त्रियों का है ना, रात हो जाने पर घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कृष्ण ये चीज को शिक्षा देते हैं, इसलिए घर से नहीं निकलनी चाहिए घर से, इसलिए जब तक शाम नहीं हो बाहर रहो, लेकिन रात होती अपना घर को नहीं छोड़नी चाहिए। इतने में कृष्ण ने कहा देखो एक तुमको एक कथा सुनाता हूँ, जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करती है, ये पतिव्रता धर्म में कितना शक्ति, एक तुमको कथा सुनाता हूँ। गोपियां बोले कथा सुनाओ, क्या सुनाओगे, बोले एक समय एक कोई पतिव्रता स्त्री की जंघे के ऊपर में पति सर रख करके सोया था, वो पत्नी ने थोड़ी देरी पहले उसने रसोई बनाई, अभी जो चूल्हा में आग एकदम धधक रही थी आग, और उसको घर में एक बच्चा था, जो बच्चा केवल केवल घुटन पर ही चलना सीखा है। इतने में पति जब सो रहा था बेटा का, आग खुल गई, खुल गया तो छोटा बच्चा अपना घुटन पर चलते चलते एकदम चूल्हे को पास में चला गया। अभी तो पत्नी एकदम दुविधा में पड़ गई, अभी क्या करनी चाहिए, अगर बच्चे को मैं रक्षा करने के लिए जाती हूँ पर पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, पर पति को जगाना पड़ेगा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरा धर्म है पति की सेवा करनी चाहिए, अभी क्या करे। बोले भले ही ये बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूँ, पहला कर्तव्य पति की सेवा करना। इतने में देखते देखते वो जो छोटा बच्चा था ना, उसने जा करके जलते हुए आग में गिर पड़ा। थोड़ी देरी बाद में पति का नेत्र खोला, बोले लाला कहाँ है, बोले तो अग्नि में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, आपका नींद खराब करना पड़ता, मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। बोले चलो चलो जा करके देखते हैं। वहां पर देखा एकदम जलते हुए आग को बीच में बच्चा किलकार मारते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसकी पतिव्रता धर्म को देख करके आग भी ठंडा हो गई। कृष्ण ने कहा तुमने देख लिया, जो स्त्रियां जीवन में पतिव्रता धर्मों को रक्षा करते हैं, जिसको सामने अग्नि भी अपना तेज को शांत कर देती है। गोपियों ने कहा कन्हैया हम भी आपको एक स्टोरी सुनाएं। बोले सुनाओ, क्या सुनाओगे। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन पति को कहीं किसी विशेष काम के लिए उनको जाना पड़ा, कुछ दिन के लिए। पत्नी से बोले मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बोले तुम बाहर जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी अकेली, मैं ये श्रृंगार क्यों करती हूँ, तेरे लिए तो करती हूँ श्रृंगार, ये सुंदर सज्जा को मैं क्यों सजाती हूँ, तेरे लिए तो सजाती हूँ, हैं ये खाना क्यों बनाती हूँ, बोले तेरे लिए तो खाना बनाती हूँ, जो कुछ करता हूँ तेरे लिए,
ये घर क्यों साफ कर दूं तेरे लिए, अगर तुम जाओगे तो फिर मैं किसके लिए करूंगी। उसने कहा देख मैं अपना एक फटो तेरे को दे करके जाता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ ना तुम ये फटो की पूजा करते रहना। बोले ठीक है। अभी वही फटो को सुलाती खिलाती, फटो को सेवा करती, इतने में उसका पति बाहर से आया। वो सेवा कर रही थी फटो की, पति ने दरवाजा खटखटाया। इतने में गोपियों ने कहा कृष्ण ये बताओ अभी उसे क्या करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा जब पति आ गया फिर फटो की पूजा क्यों करो, पति की सेवा करे ना। गोपियों ने कहा तुमका आंसर मिल गया तुम्हें, क्योंकि तुम ही भगवत गीता में तुम कहते हो पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह। तुम ही गीता में बताया है हे अर्जुन पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह, ये दुनिया का पिता बंधु भाई बंधु तुम हो। इसलिए कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव त्वमेव विद्यांग द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुमने बताया। और गीता का अंतिम श्लोक में तुम खुद बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन सब धर्म छोड़कर मेरे शरण में आ जा, आने पर सारे पाप से तेरे को मुक्त कर दूंगा। बोले गोविंद तुमने ही हमें निमंत्रण दिया था शरद, हाँ तुमने ही हमें निमंत्रण दिया था तुम्हारे साथ में हम महाराज करेंगे, और तुम्हारी है तुम्हारी निमंत्रण पा करके आए। बंसी धोनी को द्वारा तुमने ही हमें बुलाया, और जब यहाँ पर आ गए अब बोले घर में जाओ। बोले देखो कृष्णा, बोले कृष्णंग बंदे जगत गुरु, कहते कृष्णंग बंदे जगत गुरु, इसलिए तुमने इतने सुंदर सुंदर हमें कथा सुनाई। जब किसी ने कथा सुना था कहते वो गुरु है, लेकिन तुम स्वयं शास्त्र में बताया। बोले प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम्। तुमने स्वयं बताया पहले गुरु जी की पूजा, फिर उसके बाद में मेरी पूजा है। और तुम जगत गुरु कृष्णम बंदे जगत गुरु, इसलिए पहले तो तेरी पूजा करनी चाहिए ना। जब उन्होंने कृष्ण को ये उत्तर दिया ना कृष्ण तो चुप हो गए, फिर कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गोपियों को साथ में रास करते हैं, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण है, एक कृष्ण एक गोपी एक गोपी, उन्हें रास कर रहे थे। जब रास कर रहे थे प्रभु, लेकिन राधा रानी देख रही थी कृष्ण सबके पास में है, लेकिन गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में और कृष्ण किसी को पास में नहीं। जो एक आंख में काजल लगा करके आई थी कृष्ण उसका दूसरे आंख में काजल लगा दी, जो गले का हार को कमर में कमर की करधनी गले में पहन लिया था कृष्ण एकदम बढ़िया से उनका श्रृंगार कर दी, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी प्रभु उसको पूरा कपड़ा पहना दिए। जब कृष्णा इसके शरीर से जब पसीना बह रहा था कृष्णा अपना दोपटा से पसीना को पोंछ रहे थे। कृष्णा कभी कभी बोलते थे गोपियां थोड़ी प्यार दबा दो थोड़ी सी थक गई हो। देखो स्त्रियों में एक दोष भी है। बोले क्या दोष है। अगर पति अगर किसी पत्नी को ज्यादा ही प्रेम करता है ना, देखना वो पत्नी पति को सर्प चढ़ बैठती है। अभी तो गोपियों को ऐसे लगा कृष्णा हमें इतने प्यार इतने कृष्णा प्रेम कर रहे हैं, ये जगत में सबसे ज्यादा सौभाग्यवती हमें, हमसे सौभाग्यवती जगत में कोई नहीं। और उसमें और क्या हुआ, ये गोपियां देख रहे थी कृष्ण केवल हमारी पास में गोपी कृष्ण, इसलिए उनके अंदर में सौभाग्यमद, सौभाग्यमद मतलब है वो सोच रहे थे राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम राधा रानी के बगैर हम पूर्ण हैं, राधा की कोई जरूरत नहीं, हम तो कृष्ण के पास में हम हैं। लेकिन राधा रानी कौन है, बोले राशेश्वरी श्री राधा रानी, राधा के बगैर रास असंभव। कृष्ण ने देखा दो गड़बड़ी हो रहा है, एक तो गोपियों के अंदर में अभिमान आ गया राधा जी की जरूरत नहीं, फिर राधा जी की मान हो गई। बोले क्यों, बोले कृष्ण सबको साथ में, कृष्ण और मेरे साथ में, फिर मेरे और गोपियों के साथ में फर्क क्या रह गया, इसलिए उनका नाम है राधा। राधा मतलब क्या है, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आनंद देने वाले आराधना करने वाली, राधा रानी की हो गई मान। और राधा रानी ने किया क्या, रास छोड़ करके चली गई। जब राधा रानी रास छोड़ करके चली गई फिर कृष्ण ने देखा भैया रास किसके लिए, जब राधा रानी चली गई
इतने में कृष्ण सब गोपियों को त्याग दिए, त्याग देकर के ना कृष्ण थोड़ी दूर गए एक कुंज में, और कृष्ण ने किया कि अपना शरीर को उन्होंने ड्रेसिंग किया, कैसे एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया, करते हुए बोले एक काम करते हैं, चलो हम सबके सब कृष्ण को ढूंढने जाएंगे, लेकिन दो दो होकर के जाएंगे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने राधा जी के हाथ पकड़ ली, राधा रानी को बताया नहीं चला क्योंकि कृष्ण भी गोपी बने हुए, उन्होंने राधा रानी का हाथ पकड़ करके एक निकुंज के अंदर में उनको ले गए, लेकर के कृष्ण अपना हाथों से श्री राधा रानी का सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, और इधर गोपियां कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के लता पता वृक्ष सबको प्रश्न कर रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर है कहीं देखे हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। तुलसी से पूछे, बोले तुलसी कल्याणी तुमने क्या कृष्ण को देखे हो, वो कुछ बोली नहीं, बोली क्यों, बोले स्त्री है ना इसके अंदर में डाह हो रही है इसलिए ये बोल नहीं रही है, लेकिन और जब थोड़ी दूर गए बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम तो श्याम सुंदर को देखे होंगे, ऐसे करते करते थोड़ी दूर आगे गए ना, इतने में कृष्ण का चरण चिन्ह दर्शन किया, बड़ा सुंदर कृष्ण का चरण चिन्ह, और कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है, और जब और जो दूसरे दूसरे अवतार है जैसे प्रभु नारायण उनके चरण में केवल चार चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म है, लेकिन जो राम है उनके अंदर में और दो ज्यादा है, लेकिन जो कृष्ण है ना केवल उन्हीं के चरण में उन्हें से चिन्ह है, और किसी के चरण में उन्हें से चिन्ह नहीं, बोले क्यों, बोले जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है, और उनका चरण का जो चिन्ह का बड़ा महत्व, हम कहते हैं ना ठाकुर जी की चरण पर स्मरण करो जीवन का सारे दुख चला जाएगा, उनका चरण में चक्र है। हाँ ध्यान देकर सुनो, कृष्ण चरण को क्यों चिंता करोगे, सारे दुख खत्म हो जाएगी, अगर जिसका जीवन में बड़े बड़े शत्रु है अगर आप चक्र को स्मरण करो हमारे जीवन का सारे शत्रु चले जाएंगे, और हमारा सबसे बड़े शत्रु कौन है, ये काम क्रोध लोभ ही सबसे बड़ा शत्रु है, उनके चरण में कमल है, अगर कमल को स्मरण करोगे ना जैसे कमल से सुंदर खुशबू निकलता है तुम्हारी भी सुंदर खुशबू, तुम्हारी महिमा सारा दुनिया में जाएगा। भगवान का चरण में स्वस्तिक है उसका स्मरण करो तुम्हारा मंगल मंगल ही होगा, भगवान के चरण में हाँ अंकुश है जैसे मतवाला हाथी को वो अंकुश से कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वो अंकुश का आप चिंतन करो तुम्हारा जो चंचल मन है देखना शांत हो जाएगा, भगवान के चरण में जौ है अगर उसका स्मरण करोगे ना खूब माँ लक्ष्मी की कृपा होगी घर में खूब पैसा आएगा, इसलिए उनके चरण में एक एक झंडा उनके चरण में अगर उसका स्मरण करोगे सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा जाएगा, इसलिए भगवान के चरण में सब कुछ प्रभु के चरण में, मैं तो बता दिया आप ग्रंथ पढ़ लेना उन्होंने सब का एक अलग अलग बताया। अभी गोपियां तो कृष्ण के चरण की सेवा करती हैं, देखकर तो पहचान गए बोले ये तो श्याम सुंदर का चरण चिन्ह, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना देखा उसको बीच में एक छोटी सी कोई एक ईश्वर जी की चरण चिन्ह है, और उसको देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी इतना प्रसन्न इतने प्रसन्न हो गए बोले अनयाराधित नुनम भगवान हरीश्वर, बोले देखो ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले श्री सुक ये राधा जी की ये तोता है, उन्होंने देखा जब बीच में चरण चिन्ह किसकी, देखो ध्यान देकर सुनो, सखियां तीन तरह के हैं, एक तटस्था एक स्वपक्ष और एक विपक्ष, उनका तीन तरह का कृष्ण का सखी है, बोले स्वपक्ष कौन है, बोले जो केवल राधा जी की सुख में सुखी राधा जी के दुख में दुखी, बोले तटस्थ कौन है, बोले जो कृष्ण को भी प्रेम करे और राधा जी को भी प्रेम करे, ये कौन, बोले ललिता विशाखादि सखियां हैं जो राधा कृष्ण दोनों को प्रेम करते हैं, लेकिन करने पर भी वो राधा जी की तरफ में थोड़ा ज्यादा झुका हुआ, कभी ये जो विपक्ष कौन है, बोले केवल जो कृष्ण को प्रेम करते हैं राधा जी को नहीं, केवल जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग किसको प्रेम करेंगे, बोले राधा जी को प्रेम करेंगे, इसलिए जो राधा जी को प्रेम करते उनका एक नाम मंजरी, उनका नाम मंजरी बताया गया। अभी राधा जी के चरण को जो सेवा करने वाले वो तो देख करके पहचान गए क्योंकि वो राधा जी के चरण की सेवा करते हैं,
उनको पता श्री किशोर जी की चरण में कौन सा चिन्ह होता है और सुखदेव गोस्वामी कौन है, ये राधा जी की ये प्रिय सुख है। वो इतने प्रसन्न हो गए। ये श्लोक को कहते हैं भागवत में, ये श्लोक कौन सा श्लोक है कहते ना, भागवत में राधा जी का नाम नहीं, कोई कोई कहते ना ये जो बच्चा है इसको, इसका बच्चा उसको बीच में बैठा हो, कहते ना राधा जी का नाम भागवत में राधा जी का नाम नहीं, कहते यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, बोले देखो गोपियां तुम लोग अभिमान करते हो, कृष्ण हमें ज्यादा प्यार करते हैं, हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन देखो देखो तो सही, यहाँ पर तो सबकी सब गोपियां थी लेकिन कृष्ण सबका मोह त्याग करके किसी को साथ में लेकर गए, बोले हमारे श्री किशोर जी की श्री राधा रानी को, बोले श्रीमती राधा रानी की कोई जयकार नहीं लगा रहे, क्या व्रत हो तुम लोग, आवाज नहीं निकल रहा है, राधा रानी की जय कर लगो तब तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए उन्होंने बोले राधा रानी सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन थोड़ी दूर गई ना, देखा बीच में वो चरण चिन्ह है ही नहीं, बोले भैया ये कहाँ चला गया, एक गोपी कहती है ये हृदय को और भी पीड़ा देने वाले, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण देखो ज्यादा दबा हुआ है, बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, कृष्ण उसको गोद में उठा करके लिए, और थोड़ी दूर गए ना, जब और थोड़ी दूर ऐसे करते करते जा रहे थे, देखा वहां पर कुछ है एड़ी का चिन्ह है और वहां पर कुछ फूल बिखरा हुआ, बोले देखो देखो उसने बिखरे से पुष्पों का चयन करके अपना हाथों से यहाँ पर श्रृंगार की, और कृष्ण सचमुच से थोड़ी दूर में राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे। जब गोपियों की हाई होल्ला शब्द सुनाई पड़ी, कृष्ण ने बोला राधे जल्दी जल्दी यहाँ से चल पड़ो, क्योंकि अभी तेरे को अकेला मनाते मनाते इतना समय हो गया, अगर फिर गोपियां आकर के देखे मैं अकेले तेरे को ले आया श्रृंगार कर रहा हूँ, फिर दूसरा जाकर मान कर लेगी, क्या दिन भर ऐसे करते रहोगी, और दूसरा कारण है अगर ये मान कर लिया ना फिर महाराज नहीं होगी, बोले जल्दी जल्दी चलो। राधा रानी सोच रही है मैंने बहुत गलती किया है, अच्छा नहीं किया, बोले क्यों, बोले श्याम सुंदर को अकेला ला करके आनंद ले रहा हूँ, लेकिन ये गोपियां है कौन, ये गोपियां और कोई नहीं राधा रानी ही, अपना शरीर से एक एक भाव को उन्होंने एक एक मूर्ति रूप में धारण किया, बोले अकेला कृष्ण की मैं कितना सेवा करूंगी, इसलिए उन्होंने सब एक एक भाव को एक एक मूर्ति रूप उन्होंने धारण किया है, ये गोपियां और कोई नहीं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये राधा जी की एक एक भाव ही ये एक एक गोपी रूप धारण की है, बोले मैंने बहुत गलत काम किया, अकेले कृष्ण को ला करके आनंद ले रही हूँ और गोपियां देखो कृष्ण विरह में रो रही है। कृष्ण राधा रानी सोच रही है अगर मैं थोड़ा टेढ़ी बन जाऊं ना फिर गोपियां भी आ जाएगी, फिर सबके सब मिलकर महाराज करेंगे, इतने में राधा रानी थोड़ी टेढ़ी बन जाती है, कहते मैं नहीं जा सकती, जैसे मेरे को गोद में उठा करके लाए ऐसे ले लो, बोले बैठो कंधे पर। जब राधा रानी बैठने के लिए गई इतने में कृष्ण वही अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहीं पर श्री राधा रानी कृष्ण विरह में बेहोश हो गई। इतने में जब गोपियां आकर के राधा रानी को दर्शन की बेहोश हुई, फिर उनको होश दिलाए, बोले देखे एक काम करो श्याम सुंदर का मत ढूंढा करो, फिर वो छुपने के लिए कोशिश करेंगे उनको कष्ट होगा, उनको सबसे जो प्यारा उनका भजन है, चलो हम जमुना किनारा में बैठ करके हमसे भगवान की कृष्ण की हम गीत गाएंगी। प्रश्न है उन्होंने जमुना किनारा में क्यों बैठ करके गाएंगे, इसका क्या कारण है, कहते ये यमुना है ना ये काली है, कृष्ण रंग में काली, ये अनुराधा है, जब तक इनकी कृपा नहीं होना श्याम सुंदर मिलना बड़ा कठिन है। देखो एक सुंदर स्टोरी सुना, ध्यान देकर सुना, बोले एक समय श्री राधा रानी श्याम सुंदर से कह रही है, बोले हे श्याम सुंदर हर समय मैं मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, मैं चाहता हूँ आज तू मान कर और मैं मनाऊंगी। कृष्ण बोले थोड़ी पुरुष लोग मान करते, मान तो स्त्रियां करती और पति मनाते हैं, बोले आज तू मान करो ना, तब उन्होंने जोर जबरदस्त बोले कृष्ण को तो मान करने के लिए, इतने में कृष्ण मान करके बैठ गए। देखो अगर कोई सचमुच से सोता हुआ ना उसको जगा सकते हो, लेकिन जो नाटक कर रहे हैं उसको जगा सकते हो, नहीं जगा सकते हो, कृष्ण का मान करने का कोई कारण नहीं था इसलिए कृष्ण मान करके बैठ गए। इतने में राधा रानी तो मनाने के लिए कोशिश की,
लेकिन मान का तो कोई कारण नहीं। राधा रानी तो मनाते मनाते थक गई, किसी तरह से श्याम सुंदर का मान दूर नहीं हो रहा है। इतने में राधा रानी सोची मैंने क्यों श्याम सुंदर को बोला मान करने के लिए, और आज इतने मान के आज मैं मना नहीं पा रही हूँ। इतने में श्री राधा रानी यमुना नदी के पास में गई, बोले हे यमुने ये ऐसे ऐसे बात है। यमुना बोले मैं तो चुटकी बजाती मान दूर कर दूंगी, बस चुटकी बजाते बोले हाँ, बोले चलो। इतने में यमुना ने किया कि एकदम यमुना का रंग कैसे श्याम सुंदर का रंग जैसे काले रंग है, यमुना काली है श्याम सुंदर का रंग जैसे। इतने में यमुना ने बड़ी सुंदर एक कृष्ण रूप धारण किया। अब देखना अगर कोई स्त्री अगर कोई उनको कोई पुरुष बना दिया जाए ना, पुरुष से भी ज्यादा सुंदर लगती है, और सुंदर करके श्रृंगार कर तो पुरुष से भी ज्यादा सुंदर लगती है। अभी इतने में यमुना ने पूरा कृष्ण का जैसे रूप ठीक वैसे ही मयूर मुकुट हाथ में बंसुरी बड़े सुंदर पीताम्बर त्रिभंग ललित रूप इतने सुंदर यमुना ने श्रृंगार की। उसने श्रृंगार करके जब यहाँ पर आ गई ना, इतने में वहां पर जितने सखियां थी जितने सखियां बोले भैया लगता है जैसे यही कृष्ण है, कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी ये यमुना। इतने में कृष्ण भी चक्कर में पड़ गए, बोले ये क्या मेरे मैया ने कभी जमज संतान जन्म दी, अरे मैया मेरे को बता ही नहीं, ये मेरे से भी ज्यादा सुंदर देखने मेरे जैसे। जब कृष्ण वहां पर आए ना, जो असली कृष्ण का सब गोपियों ने छोड़ दिया, जो नकली कृष्ण जो यमुना बने थे ना उसको पीछे चले गए। कृष्ण बोले भैया मैं तो मेरे को छोड़कर सब इसको पीछे चले गए कि वो देखने में मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। कृष्ण समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इतने में यमुना नदी ये कृष्ण आकर के बोले भैया तुम कौन हो, बोले मैं कृष्ण हूँ, बोले भैया मैं भी कृष्ण हूँ, अगर तुम भी कृष्ण मैं कृष्ण फिर हम दोस्त हो गए, इसलिए हम गले में मिलना चाहते हैं। जब श्याम सुंदर ने यमुना से गले से मिले फिर तो पता चला ये कौन है, ये पुरुष नहीं ये कौन है, ये स्त्री ही यमुना। इतने में जो कृष्ण का जो मान है ना ये मान अपने आप उतर गया। फिर राधा कृष्ण के जुगल की वहां पर मिलन हुई है। जब मिलन हुई देखो ये यमुना की कृपा से ही राधा रानी भी कृष्ण को साथ में मिले, इसलिए ये यमुना की कृपा होना बड़े जल्दी जल्दी श्री श्याम सुंदर राधा रानी बड़े जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले चलो हम यमुना किनारा में बैठ करके कृष्ण का गीत गावेगी। यमुना किनारा में बैठ करके उन्होंने गोपी गीत को गाए। ये जो गोपी गीत है देखो हम लोग इधर उधर का कितना स्तुति स्तव करते हैं, नहीं करके ना हम लोग अपना घर में गोपी गीत गाते हैं। अगर गोपी गीत गाओगे ना कृष्ण कहीं भी नहीं रह सकते, कृष्ण जहां पर गोपी गीत गाओ कृष्ण को वहां आना ही पड़ता है, कृष्ण आएंगे ही। और हमारे गोस्वामी लोग तो एक एक श्लोकों को इतने व्याख्या की, दो दो तरह का व्याख्या की, एक अन्य और एक व्यतिरक, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, एक को द्वारा कृष्ण की स्तुति और दूसरे को द्वारा कृष्ण को गोपियां ताना मारते हुए बात करती है, अद्भुत रूप में व्याख्या की है। अगर केवल गोपी गीत को व्याख्या करें ना 7 दिन में भी खत्म नहीं होगा, इतने रहस्य ये गोपी गीत का अंदर में। सब गोपियां बैठी करके यमुना किनारे में गोपी गीत गा रहे हैं, हम भी 2-3 श्लोकों को हम लोग भी गाएंगे। Oh,
कैसे कृष्ण का एक श्लोक में कृष्ण का स्तुति है और दूसरे तरफ में कृष्ण को ताना मारते हुए बात करती है। देखो कैसे एक श्लोक दो अर्थ कैसे होता है। एक तरफ में गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी ये जो कथा, ये कथा नहीं, ये कथा अमृत है, ये कथा तुम्हारी अमृत है कथा। बोले भैया अमृत तो चार जगह में रहता है, ये मर्त्य जगत में एक नीति शास्त्र में बताया अमृत कहाँ कहाँ रहता है। बोले चार जगह पर। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले अवधौ विधौ गधमुखे फणिनाम निवासे। बोले एक अमृत रहता है ये समुद्र में, जिसको देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की, उससे अमृत निकला। अमृत कहाँ? बोले समुद्र में। लेकिन ये हमारे भक्त लोग कहते हैं, बोले भैया समुद्र में भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले अमृत अगर होता तो पानी इतना खारी पिए, इतने नमकीन क्यों? वो मिठाई मिठाई होता, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ पर? बोले श्री स्वर्ग में, जिसको देवता लोग पान करते हैं अमृत को। बोले भैया वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले इनका पुण्य खत्म होते फिर उनको भी गिरना पड़ता है। बोले तीसरा अमृत कहाँ पर? बोले चंद्रमा में रहता है। अब देखना, दिन भर सूर्य का किरण से हम एकदम तप जाते हैं, लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो एकदम सुशीतल है, इसलिए अमृत कहाँ पर? बोले चंद्रमा में। लेकिन वैष्णव लोग कहते भैया वहाँ भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले अगर चंद्रमा में अमृत होता तो देखना पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा, प्रथमा द्वितीया करते करते अमावस्या को पूरा खत्म, तो चंद्रमा तो पूरा ही पूरा रहता, वहां भी अमृत नहीं। बोले भैया चौथा अमृत कहाँ पर? बोले स्त्रियों का मुखार बिंद में ये अमृत रहता है, जिसको पति लोग पान करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव लोग कहते भैया वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले पति हता, अगर वो अमृत को पति पान करता है, पत्नी से पहले पति का राम नाम सत्य क्यों हो जाता? मरता फिर क्यों? मरता नहीं, इसलिए अमृत वहां भी नहीं। बोले भैया फिर अमृत कहाँ पर है? बोले केवल एक जगह पर अमृत है। बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनानाम, अमृत केवल एक जगह पर, जो भगवान की शुद्ध भक्त है उनकी कंठ में, मतलब भगवान की कथा में ही ये अमृत है, नहीं तो और अमृत कहीं है नहीं। इसलिए गोपियां कहती है, श्याम सुंदर, तुम्हारी ये कथा नहीं, ये कथा अमृत है। देखो दूसरा अर्थ कैसे, गोपियां कहती है, कौन कहता है भगवान की कथा अमृत है? अमृत नहीं तब कथा मृतम, तेरे कथा जो सुनेगा मरेगा, तुम्हारी कथा सुनकर अमर नहीं होगा, मरेगा। बोले इसका प्रमाण देखो, हमको देखो, तब तक हम घर में चैन में रहते थे जब तक तुम्हारी हम कथा नहीं सुने, जब तक तुम्हारी बंसुरी की आवाज नहीं सुने ना, तब तक हम घर में चैन में रहते थे। देखो आप लोगों को देखो है, तब तक घर में चैन रहते जब तक भगवान की कथा नहीं सुने, और भगवान की कथा सुना तो घर बार छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गए। जब इच्छा वृंदावन में चलो, नवद्वीप चलो, पुरी चलो, घूमो। इसलिए कहते हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा नहीं अमृत नहीं, जो सुनेगा वो मरेगा, मरेगा तुम्हारी कथा को। कहते इसका प्रमाण हम है, जब से तेरी कथा हमारे कान में पड़े तब से हमारी तुम्हारी कथा हमें दीवाने बना दी। इसलिए तब कथा अमृतम, दूसरा बोले तप्त जीवनम, अगर कोई कथा सुनेगा तो उसका डायरेक्ट अर्थ है संसार का सारे दुख खत्म हो जाएगी। तप्त जीवन मतलब संसार में हम सबके सब दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी,
कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी। देखना संसार में सब दुखी दुखी सब के सब। लेकिन गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा सुनेंगे ना, जो तप्त जीवनम, ये जो दुखमय जीवन शांत हो जाएगा। गोपियां कहती है सब बेकार बात है, कथा सुनने पर शांत हो जाएगा। भैया तुम्हारी कथा जब से हमारे कान में पड़े ना, हमारा हम तो पागल बना दिया तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा पागल बना दी तुम्हारी कथा। तब तक हम चैन में रहते तुम्हारी कथा जब तक नहीं सुने, और तुम्हारी कथा सुने तो हम बेचैन हो गए तुम्हारी बंसुरी की आवाज़ सुन करके, कथा सुन करके। लेकिन जो दूसरा तरह का अर्थ है ना, वो प्रेम का अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है। मतलब कृष्ण भक्ति करने पर कैसे जी भगवान के प्रेम में दीवाना बन जाती है। हमारा गोस्वामियों ने एक एक शब्द को उठा उठा कर उन्होंने दूसरे दूसरे अर्थ किया, एक तो अन्वय और एक व्यतिरक रूप में अर्थ की है। इसलिए गोपियों ने जब गोपी गीत गाई, कृष्ण ने रह नहीं सके, कृष्ण को गोपियों को बीच में भगवान को प्रकट होना पड़ा। और कृष्ण प्रकट होते ही कुछ गोपियां थी जो कृष्ण का चरण को पकड़ लिए, कुछ गोपियां थी उनको गलवहनियां दे दिया लगा दिए, कुछ थी कृष्ण को तांबुल मांगे। लेकिन कुछ गोपियां थी जो पास में फटक नहीं रही थी, वो दूर से खड़ी होकर देख रही थी। लेकिन और एक गोपियां गोपी थी एकदम दूर से कृष्ण को तरच चितवन से बड़ा क्रोधित होकर टेढ़ी नजर करते हुए कृष्ण को देख रही थी। देखो भागवत में ना इनका नाम कहीं पर उल्लेख नहीं किया, ये कौन कौन है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने सब बता दिया। बोले उनका जो चरण पकड़ कर रखी थी गल बहनी आई कौन है, बोले स्वपक क्या इनका, इनका विपक क्या है, ये चंद्रावली की दल है। बोले जो दूर में खड़ी थी कहती ये ललिता विशाखा है। लेकिन जो एक जो दूर में खड़ी होकर के बड़ी क्रोध से देख रही थी कृष्ण को, और कृष्ण का नजर और किधर नहीं, कृष्ण का नजर केवल उसी गोपी के ऊपर में, कभी ये कौन है, बोले श्री किशोरी जी श्री राधा रानी। कृष्ण केवल श्री राधा रानी को तरफ में कृष्ण देख रहे थे, इसलिए ललिता विशाखा देख रहे थे। बोले देखो देखो तो सही, भले ही कोई हाथ पकड़े कोई उनको चरण पकड़े, लेकिन कृष्ण किसको तरफ में देख रहे हैं, बोले हमारे श्री किशोर जी की चरण में। इसका मतलब है कृष्ण श्री राधा रानी को जितना